फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनजी स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आरआरबी मुंबई जोन से बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ रही है एनटीपीसी अभ्यर्थी के लिए, साथ ही के अंदर एलपी और टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट के लिए। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पर्पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आरआरबी मुंबई के ऑफिशियल वेबसाइट के तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अभी मैं हूँ आरआरबी मुंबई के ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। और यहाँ पे आप जब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीएन नंबर 01/2019 एनटीपीसी पोस्ट और सीएन नंबर 01/2018 एलपी टेक्नीशियन पोस्ट के अंदर ये दो अपडेट जारी की गई है। एक के अंदर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है लेवल 6 के अंदर, और एक जो है सप्लीमेंट्री एडिशनल रिजल्ट जारी किया गया है। तो दोनों को एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं लेवल 6 वाले कैंडिडेट का। तो फ्रेंड्स, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अपनी पीडीएफ जो डाउनलोड हो चुकी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डिविजनल ऑफिस कंपाउंड मुंबई सेंट्रल मुंबई। और ये जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट है लेवल 6 के अंदर है, कैटेगरी नंबर 1 कमर्शियल अप्रेंटिस का। यहाँ पे बताया कि CBT 1 कब से कब हुआ, CBT 2 कब हुआ, उसके बाद साइको टेस्ट, और उसके बाद जो है मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो है एक कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। साथ ही के अंदर एक जो है यहाँ पे ये कैंडिडेट, इनका जो कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एलपीएन टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी पीडीएफ जो डाउनलोड हो चुकी है एलपीएन टेक्नीशियन जो है सीएन नंबर 01/2018 वाले पोस्ट के लिए। फाइनल सप्लीमेंट्री एडिशनल रिजल्ट है टेक्नीशियन कैटेगरी का। यहाँ पे बताया कि CBT 1 कब हुआ, 2 कब हुआ, उसके बाद मेडिकल टेस्ट सब कुछ होने के बाद जो है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया, वही यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे सेंट्रल रेलवे के अंदर जो है कैटेगरी नंबर 30 के अंदर 8 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, जिनके रोल नंबर यहाँ पे बताया गया। उसके बाद कैटेगरी नंबर 30 जो है क्रेन ड्राइवर के अंदर वेस्टर्न रेलवे में 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। उसके बाद कैटेगरी नंबर 34 के अंदर वेस्टर्न रेलवे में 11 कैंडिडेट हैं, और सेंट्रल रेलवे में कैटेगरी नंबर 37 के अंदर मैकेनिकल वर्कशॉप में 13 कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद जो है वेस्टर्न रेलवे में कैटेगरी नंबर 51 इलेक्ट्रिकल TRD के अंदर जो है 5 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। उसके बाद जो है वेस्टर्न रेलवे कैटेगरी नंबर 52 के अंदर जो है 3 कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर सेंट्रल रेलवे में कैटेगरी नंबर 54 के अंदर जो है 7 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS के अंदर। उसके बाद वेस्टर्न रेलवे में कैटेगरी नंबर 54 के अंदर 4 कैंडिडेट, फिर सेंट्रल रेलवे में कैटेगरी नंबर 93 के अंदर 13 कैंडिडेट है, और फिर सेंट्रल रेलवे में कैटेगरी नंबर 126 के अंदर 1 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और कैटेगरी नंबर 129 वेस्टर्न रेलवे में 2 कैंडिडेट, और 137 में 3 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी अपडेट आरआरबी मुंबई से एलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी वाले कैंडिडेट के लिए। आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल एनजी स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।